इस वक्त हम मौजूद हैं वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में, जो वडोदरा शहर के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। अब बस कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है, और जो दिवाली का त्योहार है वो केवल रोशनी और मिठाइयों का नहीं बल्कि रंगों का भी त्योहार होता है, जहाँ पर रंगोली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे भारत देश में सदियों से दिवाली के इस महापर्व पे रंगोली बनाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली से महालक्ष्मी जी का स्वागत होता है घरों में, और घर में सुख और समृद्धि का व्यास होता है। इसलिए रंगोली का बनाना बेहद ही शुभ और मंगलमय माना जाता है। और इस परंपरा का पालन करते हुए सालों से सहज ग्रुप ऑफ रंगोली अपने अद्भुत कला का प्रदर्शन करते आ रही है। सहज ग्रुप ऑफ रंगोली हर साल अपने अद्भुत कला से इस मंदिर को और भी अद्भुत बना देती है। तो आइए जानते हैं कि इस साल उन्होंने रंगोली को किस थीम पर बनाया है और किस तरह से वो प्रदर्शन करने वाले हैं इस साल लोगों के सामने। इस वक्त हम मौजूद हैं मीनाक्षी जी के साथ, जो सहज ग्रुप ऑफ रंगोली का एक अहम हिस्सा है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस बार उनके प्रदर्शन में क्या खासियत है। मैं सहज रंगोली ग्रुप से 2 साल से जुड़ी हुई हूं, और हर वर्ष दिवाली पे सहज रंगोली ग्रुप कोई थीम बेस्ड रंगोली करता है, और इस बार की थीम रखी है पंच तत्व। तो पंच तत्व से ही संबंधित हम लोगों ने रंगोली का प्रदर्शन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी रंगोली है, जो वराह अवतार का एक सुंदर चित्रण जो बताया गया है वही मैंने इसमें बनाया है। और कितने दिनों से आप ये रंगोली बना रहे हैं? हाँ, हमें 6 दिन हो गए हैं, और 6 दिन में हमारे साथ जैसे सब आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट तो कह सकते हैं लेकिन इंटरेस्ट की बात है कितने डॉक्टर है, जैसे ये डॉक्टर प्रज्ञा है, और हाउसवाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से जो जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं रंगोली करने के वो सब अपना कीमती समय निकाल के, कभी दिन में कभी रात में, ऐसे समय निकाल निकाल के ये रंगोली का वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं। आप इन रंगोली से समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, रंगोली एक बहुत ही सिंपल और प्राचीन एक हमारी परंपरा रही है। जैसे बहुत ही सालों से हम लोग रंगोली करते हैं, तो उसके अंदर श्री आप बताते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी का आह्वान है, शुभता शुभ का प्रतीक है, और हमारा ये रंगोली का एक थीम जैसे हमने रखा है कि पंच तत्व। जैसे आप देख ही रहे हैं अभी एनवायरनमेंट में हम हर चीज को इसमें बता रहे हैं कि नेचर से संबंधित जल, अग्नि, वायु और जो भी पंच तत्व है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। कि नेचर से हम कैसे, पृथ्वी का कैसे संरक्षण हो सकता है, और जैसे प्राचीन काल से ये सब चीजें आई है, जब वराह अवतार क्या साबित करना चाहता है कि पृथ्वी का उन्होंने संरक्षण किया, कि एक तरह से उसे जीवन प्रदान किया जब उसका अस्तित्व खत्म हो रहा था। इसी प्रकार हम लोग हमारी कला से सभी लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो पंच तत्व है वो हमारे जीवन का आधार स्तंभ है, क्योंकि पांचों चीजों से ही हमारा जीवन बना है। तो उसको हम कैसे संभाल के हमारे लिए उपयोगी भी रखें और उसे संरक्षण करें, यही एक छोटा सा संदेश हम लोग हर साल कुछ ना कुछ नया देना चाहते हैं। यही छोटा सा प्रयास है हमारा, यही आप सब देख सकते हैं, सबने बहुत ही मेहनत से और धीरे धीरे ही किया, लेकिन बहुत ही सुंदर हम लोगों ने एक प्रयास किया है। जब आप लोग रंगोली बनाते हैं तो उस वक्त आपकी क्या भावनाएं होती है, मतलब क्या सोचकर इतना इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी रंगोली बनाने में? जी हाँ, रंगोली का काम ऐसा है कि पेंटिंग से ये बिल्कुल ही विपरीत है। पेंटिंग में आपने एक बार कलर लगा दिया कि जो एक बार रह गया, लेकिन रंगोली में हम आपसे भी यही कहते हैं कि हमने अब ये पूरा बना दिया है, पर उसको अगर एक भी झटका या कुछ भी जैसे जर्क लगेगा तो वो बिखर जाएगा। जैसे हमारा जीवन है कि हम उसे बड़ी संभाल के रखें, एक झटके से हमारा जीवन भी बिखर जाता है, वैसे ही एक संदेश है कि ये एक जैसे प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाना ही है। ऐसे हमने ये काम तो कर दिया, लेकिन उसे बड़ी संभाल के सहजता से रखे, कि जैसे जीवन है हमारा उसे जैसा हम संभालेंगे वैसा ही अच्छे से आगे सुंदर रहेगा, और जैसे सभी चीजें रहती है। इसी प्रकार ये रंगोली भी एक प्रतीक ही है कि हमने बहुत ही मेहनत से इसको, जैसे ईश्वर ने एक रचना किया सृष्टि की, उसे बहुत ही संभाल के आप उपयोग करें तो बहुत ही सुंदर है। अगर बिगाड़ेंगे तो जैसा विनाश का रूप हम देखते हैं नेचर में, वैसे
वैसे एक मेरा तो सुंदर यही एक अनुमान है, बाकी इसमें बहुत ही ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। कलर ज्यादा बिखर जाए तो उसका रूप उतना सुंदर नहीं आता जैसा हम दिखाना चाहते हैं। बहुत ही धीमे धीमे और शांति से इसको किया जाता है। भविष्य में भी हमें ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं? जरूर जरूर, जब तक रंगोली ग्रुप है, सहज रंगोली ग्रुप है, हम जैसे नए कलाकार उसमें आते रहेंगे, क्योंकि ये 8-10 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। नए आने वाले कलाकारों को, स्टूडेंट को, इवन हाउसवाइफ्स को जो थोड़े रिटायर्ड हो चुके हैं अपने दैनिक कार्यों से या जॉब से, उन्हें भी मैं एक आमंत्रण देना चाहती हूँ कि आप ये एक कला अडॉप्ट कीजिए, आपको इतना आनंद मिलेगा। क्योंकि इसको करने का आप सोचेंगे इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, पर इसको जो बनाने में जो एक आनंद है उसका मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि लोगों को देख के आश्चर्य होता है कि ये एक रंगोली वर्क है, आप इसको प्रिजर्व कर दीजिए। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब परिवारजन के जो भी, वो सब बोलते हैं अरे इसको बिगाड़ो मत, आप इसको संभाल के रखो। लेकिन जैसे जीवन में हर चीज आती है और उसका एक समय होता है, ऐसे ही हमारा ये एक प्रयास है, पर उसे जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये एक जीवंत क्रिया की जैसे ही है कि जो आया है वो जाएगा, अब कुछ नया रूप उसमें और आएगा, बस हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गौतमी, जो सहज ग्रुप ऑफ रंगोली से पिछले 9 साल से जुड़ी हुई हैं। तो आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। आप ये जो रंगोली बनाती हैं, उसका मेन मोटो क्या है? मेन तो ये है कि एग्जीबिशन के लिए होता है और सेटिस्फेक्शन मिलता है एज एन आर्टिस्ट। इस बार आपने क्या सोच के ये रंगोली बनाई? ये रंगोली किस चीज को दर्शा रही है? ये जो हमारा एग्जीबिशन है वो थीम बेस्ड होता है हर साल, तो इस बार की थीम है पंचतत्व, उसमें ये वायु का थीम है। तो आपको कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा ये रंगोली बनाते हुए? क्योंकि बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है आप जब भी ये रंगोली बनाते हैं, तो क्या क्या फेस करते हो आप? पहले तो इधर फैन नहीं चलाना पड़ता तो गर्मी लगती है बहुत, फिर एक एक फर उसका जो है हेयर्स लायन का वो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, फिर लाइट का कुछ इश्यू होता है बस। और ये जो रंगोली बनाने की अद्भुत कला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कला है कि हम बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है, जैसे कि मैंने ये बनाया 6 दिन हुए, पर उसको अगर निकालना है तो झट से वो निकल जाता है, बस यही है।